हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इट्स योर बॉय द ए एंड बॉय। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग सब एकदम मस्त और स्वस्थ, एकदम खुश मस्त होंगे। तो आज हमारा डे है जहाँ पे हमें रिपोर्ट लेने जाना है मेडिकल। तो मेडिकल जा रहा हूँ मैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो पूरे के पूरे तक बने रहना और वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना। तो आज हम लोग वीडियो को एंटरटेन और मज़ेदार बनाएंगे, तो चलते हैं जाते हैं। वैसे भी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो अभी निकलते हैं जल्दी, फिर वहाँ जाके सीधा मिलते हैं आप लोगों से मेडिकल में। वैसे मेडिकल के रिएक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आने वाले हैं, तो रेडी होते हैं एंड निकलते हैं। वैसे रेडी तो मैं हो चुका हूँ और निकलते हैं। तो फाइनली तो अभी हम मेडिकल के यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं बस से उतर कर मैं ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो उसके वजह से मैंने नहीं बनाया। तो अभी तो फिलहाल हम मेडिकल पहुँच चुके हैं। अब मेरे को ये नहीं पता है कि मेडिकल के अंदर हम ब्लॉग बना सकते हैं या नहीं, तो इसलिए मैं पहले से बाहर से बता दे रहा हूँ। फिर अंदर जाकर अगर हम बना सकते हैं तो ज़रूर हम बनाते हैं। और मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है आज। मतलब मैं जब पहले आया था तब भीड़ नहीं था, अभी मैं अंदर तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पर ब्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा असंभव वाला चीज़ है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, इतनी हालत ख़राब हो रही है। वैसे रिएक्शन तो ले सकते हैं, बट यहाँ बहुत सारे मरीज़ हैं, बहुत सारे घर वाले लोग हैं, फैमिली है सब है, तो मेरे को ब्लॉग बनाने मन नहीं कर रहा है। वैसे मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, काफ़ी यहाँ भीड़ है। अभी खाली जगह बड़े मुश्किल से मिली थी मुझे। मैं जिस तरह से घर से सोच के आता ना यार, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था कि मैं वहाँ जाकर रिएक्शन बनाऊंगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैमिली है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर वीडियो बनाना क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए मैं अकेले में वीडियो बना रहा हूँ। बाहर निकल के देखते हैं क्या होता है, उसके बाद बताते हैं। वैसे तो मेरा फॉर्म जो भी था सबमिट करना था वो मैंने सबमिट कर दिया, तो अभी टेंशन नहीं, उसके बाद सीधा निकलना, बस रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद हम निकल जाएंगे, तो कोई सही नहीं है, निकलते हैं। तो वहाँ से ऐसे मेडिकल का एक व्यू बता देता हूँ मैं आप लोगों को, धीरे धीरे करके घुमा फिरा के मैं बता दूँगा, वो देख लेना। तो फाइनली ब्लॉग करते करते हमें मिल चुकी है हमारी रिपोर्ट्स, तो फिर अभी यहाँ से बस हमें निकलना है एकदम बाहर के लिए, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या सीन है, बाहर निकलने का पता चलेगा। वैसे पूरा मेडिकल ही भूल भुलैया है, मैं भूल के कहाँ कहाँ गायब हो जाता हूँ। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते फटाफट, अभी यहाँ से थोड़ा भीड़ खाली हो चुका है बट फिर भी निकलते हैं। अब यहाँ से मेरे को ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं, वैसे मैंने घर से किया तो था बट भूख लग रही है थोड़ी बहुत, देखते हैं क्या सीन होता है। खाना खाने का अगर मन हो तो खा लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं आप लोगों को अपना बैग दिखाऊंगा, तो ये है बैग। वैसे मेरे को उसका कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, तो जिसकी वजह से मैंने ये बैग परचेज़ कर लिया। वैसे मेरे को चाहिए तो था ब्लैक में बट मिला नहीं, बट जो भी है सही है। अभी मैं आप लोगों को जैसे कह रहा था कि मैं आपको मेडिकल का एक व्यू बताऊँगा, बट इतनी ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियाँ हैं ना कि मेडिकल नहीं आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी, तो रहने देते हैं, बाद में फिर कभी दिखाता हूँ। तो वैसे तो मैं अभी आपको सेलुलर जेल दिखा देता हूँ। आज ना रिएक्शन वाला वीडियो बोलकर कुछ और ही हो रहा है, और वैसे भी मरीना पार्क वाली जगह पे कुछ सीन हुआ है शायद, वहाँ पे बहुत सारा पुलिस है, वो ही मैं बताता हूँ क्या सीन है। वैसे मुझे पता तो नहीं है, बट अगर पता चलता है तो मैं ज़रूर कवर अप करता हूँ उस चीज़ को भी। अभी जल्दी से जल्दी घर निकलना है। वैसे तो मैं गया था इस पार्क के अंदर, बट यहाँ भी बहुत सारे कपल्स बैठे हैं, तो मेरे को डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है क्योंकि अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो वो उन लोगों को मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो फिर मैं यहाँ से भी निकल गया, मरीना पार्क तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, दिमाग ख़राब होता है मेरा वहाँ बार बार जा जाके, तो अभी और कोई चारा नहीं है। अभी हम लोग को सीधा बस पकड़ने जा रहे हैं। बस पकड़ के यहाँ पर बहुत सारे चलान वाले, यार क्या सीन है नहीं मालूम है, कुछ हुआ है मगर वहाँ का नीचे वाला जो रोड है ना, वो मेरी ना पर वाला, वो पूरा बंद कर दिया है।